आप सभी का आपके चैनल प्रभु कथा में स्वागत है। आज हम तीज व्रत का कथा श्रवण करने जा रहे हैं। आपसे एक विनती है कि आप अपने कीमती समय में से 4 मिनट निकाल कर इसे पूरा सुने। आइए हम मिलकर कथा का आरंभ करते हैं। सावन माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हर साल हरियाली तीज का व्रत रखा जाता है। हरियाली तीज का व्रत सुहागिन महिलाएं अपने पति के दीर्घायु की कामना के लिए रखती है। इस व्रत को करने से अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है और दाम्पत्य जीवन सुखमय होता है। वही कुंवारी कन्याएं यदि इस व्रत को करती हैं, तो उन्हें योग्य वर की प्राप्ति होती है। हरियाली तीज के दिन महिलाएं साज श्रृंगार करती हैं और नए वस्त्र पहनती हैं। हरियाली तीज पर भगवान शिव जी और माता पार्वती की पूजा अर्चना की जाती है। सही विधि और शुभ मुहूर्त में हरियाली तीज की पूजा करने से शिव जी और माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है। लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखें कि हरियाली तीज की पूजा में इससे संबंधित व्रत कथा जरूर पढ़े या सुने, तभी व्रत सफल माना जाता है। कथा के अनुसार भगवान शिव ने माता पार्वती को उनके पूर्व जन्म का स्मरण कराते हुए कहा, हे पार्वती, तुमने पूर्व जन्म में मुझे पति के रूप में प्राप्त करने लिए कठोर तपस्या की। हिमालय पर अन्न जल का त्याग कर तुमने सभी ऋतुओं का कष्ट सहा। एक दिन नारद मुनि तुम्हारे घर पधारे और उन्होंने तुम्हारे पिता पर्वतराज को बताया कि विष्णु जी आपकी कन्या पार्वती की कठोर तपस्या से अति प्रसन्न हुए और वे उनसे विवाह करना चाहते हैं। मैं विष्णु जी के भेजने पर आया हूँ। नारद मुनि की यह बात सुनकर तुम्हारे पिता के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वे प्रसन्न हुए। उन्होंने तुरंत इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। उन्होंने नारद जी से कहा कि वे अपनी पुत्री पार्वती का विवाह विष्णु जी के साथ कराने के लिए तैयार हैं। नारद मुनि ने विष्णु जी के पास पहुंचकर उन्हें सारी बातें बताई। शिव जी माता पार्वती से आगे कहते हैं, पार्वती, तुम्हारे पिता ने जब ये बात तुम्हें बताई तो तुम दुखी हो गई, क्योंकि तुम मन से मुझे पति के रूप में स्वीकार कर चुकी थी। ऐसे में तुमने यह बात अपनी एक सखी को बताई। तुम्हारी सखी ने तुम्हें जंगल में रहकर मेरा स्मरण करने का सुझाव दिया। तुम राजमहल छोड़ जंगल चली गई और जंगल में रहकर तुमने मुझे पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की। इधर तुम्हारे पिता पर्वतराज तुम्हारे लुप्त होने पर चिंतित होने लगे। उन्हें ये चिंता सताने लगी कि यदि इस बीच विष्णु जी बारात ले आए तब क्या होगा। शिव जी माता पार्वती से आगे कहते हैं, पार्वती, तुम्हारे पिता पर्वतराज ने तुम्हारे लुप्त होने के बाद सैनिकों को भेजकर खोज शुरू कर दी और उन्होंने धरती पाताल एक कर दिया। लेकिन तुम एक गुफा में रेत से शिवलिंग बनाकर मेरी आराधना करने में लीन थी। मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुआ और मैंने तुम्हें मनोकामना पूर्ति का वचन दिया।